एक रात आप अपने टीवी पर एक हॉरर मूवी देखते हो। आप ये मूवी इसीलिए देखते हो क्योंकि आपको अपने स्टोर रूम में एक VHS टेप कैसेट मिला। मूवी का नाम है रिटर्न ऑफ द सबर्ब स्लैशर। कैसेट के स्लिप केस में लिखा है कि इस मूवी को 1983 में क्रिस्टल एम्स प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया। ना ही इस मूवी और ना ही इस नाम के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में आपने कभी सुना है, मगर क्योंकि आप हॉरर मूवीज के फैन हो तो बिना किसी देरी के आप कैसेट चला देते हो। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि हीदर कैम्बल नाम की एक जवान लड़की अपने पेरेंट्स के घर पर ना होने का फायदा उठाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है। वो जिस दिन पार्टी कर रही होती है, आज से ठीक 10 साल पहले उसी दिन और उसी जगह पे एक अनजान किलर ने घर के सभी सदस्य को मार डाला था। हीदर को इन सब के बारे में मूवी के बीच में पता चलता है, जब एक एक करके हीदर के पांचों दोस्त और एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया जाता है। मूवी के दौरान किलर की आइडेंटिटी एक मिस्ट्री रहती है, क्योंकि हमेशा उसका चेहरा एक बस्ते से ढका रहता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। मूवी में 1 hour 35 minutes के ड्यूरेशन पर हीदर अपने दोस्तों के डेड बॉडीज को लिविंग रूम में पाती है। अचानक वो किलर दूसरे साइड से आकर हीदर के पीछे भागने लगता है। हीदर दौड़कर बेसमेंट में खुद को लॉक करके कैमरे की तरफ देखकर ये कहती है, हे मिस्टर, मैं नहीं जानती कि आप कौन हो और मैं ये भी नहीं जानती कि आप वहाँ बस बैठकर बिना कुछ किए हमें क्यों देख रहे हो, बट प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कीजिए। यहाँ से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये सब सुनकर आप बहुत डर जाते हो, क्योंकि एक मूवी की कैरेक्टर भला आपसे कैसे बात कर सकती है। एक्चुअली आपको कोई अंदाजा ही नहीं था कि जिसे आप एक नॉर्मल मूवी कैसेट समझकर देख रहे थे वो दरअसल SCP-5733 है। करंटली SCP-5733 रिसर्चर्स के कब्जे में है। ये मूवी, इसके कास्ट और प्रोडक्शन कंपनी सब अननोन है। SCP-5733 में दो एंटिटीज है। पहला SCP-5733-1 जो कि वो मिस्टीरियस किलर है, और दूसरा SCP-5733-2 जो कि हीदर है। SCP-5733 को जब एग्जामिन किया गया तो पता चला कि इस मूवी का रन टाइम 97 मिनट तक की है, जिसके बाद हीदर व्यूअर्स से बात करने लगती है। अब बाकी की मूवी पर व्यूअर्स का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि अब सर्वाइवल के लिए हीदर बस व्यूअर्स के बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करेगी। अगर व्यूअर हीदर को इग्नोर करता है या ऑफ टॉपिक बात करने लगता है तो हीदर निराश होकर बेसमेंट के दरवाजे को खोल देती है। दरवाजा खोलने पर वो किलर वही खड़ा रहता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। इसके बाद वो कैसेट उस मशीन से निकल जाता है जिस पर ये प्ले हो रहा होता है। SCP फाउंडेशन ने रिसर्चर दाड़ियों को टेस्टिंग के लिए SCP-5733 दे दिया। इस टेस्ट के लिए डॉक्टर दाड़ियों ने एक डी क्लास पर्सनल D-1973 को चुना। D-1973 ने हीदर को पूछा कि क्या उसके पास कोई कार है, तो वो हाँ करती है। फिर D-1973 ने हीदर को ऊपर जाकर कार की चाबी लेकर बैकडोर से भागने को बोला और कार को ड्राइव करके दूर भाग जाने के लिए सजेस्ट किया। हीदर ठीक वैसा ही करती है। हालांकि जब वो कार की चाबी लेकर बाहर निकली तो उसने अपने कार के टायर्स को कटा हुआ पाया। फिर D-1973 ने हीदर को अपने नेबर की कार की विंडो को तोड़कर उस कार को ड्राइव करने के लिए कन्विंस किया। हीदर ने एग्जैक्ट वैसा ही किया और कार के स्टार्ट होते ही वो हंसते हुए ड्राइव करने लगी। अचानक बैक सीट के नीचे छुपा किलर हीदर को चाकू मारने ही वाला होता है कि तभी स्क्रीन ब्लैक हो गया, मगर हीदर के दर्द भरे चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। D-1944 हीदर को बेडरूम से अपने पापा की शॉटगन को लेके उस किलर को मारने के लिए कहता है। बेडरूम से गन लेते ही D-1944 हीदर के पीछे किलर को पाता है। हीदर तुरंत उस पर फायर करती है, मगर एक भी बुलेट नहीं निकलता।
फिर वो किलर अपने हाथों में रखे बुलेट्स को नीचे फेंकता है और हीदर को मार देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये किलर हर वक्त हीदर से दो कदम आगे ही रहता है। डी 1958 ने हीदर को बहुत ही कमाल का आइडिया दिया। ऐसा आइडिया आप लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते। डी 1958 हीदर को कहता है कि उस किलर से लड़ना बेकार होगा, तो वो गार्डन की कैंची को लेकर बेसमेंट में सुसाइड ही कर ले। हीदर ने डी 1958 को बोला कि ये कोई सही ऑप्शन नहीं है और फिर वो बैठकर रोने लगी। 10 मिनट बाद वो उठी और सीढ़ियां चढ़ते हुए दरवाजे को खोल दिया। बाहर वो किलर उसी का इंतजार कर रहा था और उसे देखते ही उसने हीदर को मार दिया। इस टेस्ट के लिए असिस्टेंट रिसर्चर डॉक्टर फेलिस्का को बुलाया गया। हीदर से कुछ देर बात करने के बाद डॉक्टर फेलिस्का ने उसे अपने नेबर से मदद मांगने को बोला। हीदर तुरंत घर से निकलकर अपने पड़ोसी मिस्टर लुइस के घर जाती है। मिस्टर लुइस के घर का दरवाजा हल्का सा खुला था। हीदर ने खिड़की से मिस्टर लुइस को बेड पर सोते हुए देखा। फिर जैसे ही वो उन्हें बुलाने अंदर गई तो उनको पता चला कि मिस्टर लुइस का गला कटा हुआ है और वो ऑलरेडी मर चुके हैं। अचानक बेड के नीचे से एक हाथ हीदर को अंदर घसीटकर ले जाता है और टेप यहीं पर रुक जाता है। ये टेस्ट ईयर 1983 में किया गया था, जहां व्यूअर हीदर को एससीपी फाउंडेशन को कॉल करने को बोलता है। वो ये भी कहता है कि ये एक लौता ऐसा फाउंडेशन है जो उसकी मदद कर पाएंगे। हीदर बेसमेंट से निकलकर दौड़ते हुए किचन की ओर लैंडलाइन टेलीफोन को यूज करने के लिए भागती है, मगर जब वो वहां पहुंची तो उसने टेलीफोन को टूटा हुआ पाया। साथ ही उसने ये भी देखा कि एक चाकू की धार पर दबा हुआ नोट ऊपर के शेल्फ पर प्लेस्ड है। उस पेपर पर खून से दी ओनली फाउंडेशन हियर इज फेयर लिखा था। ये तो बहुत छाना निकला, वाह। इससे पहले हीदर कुछ करती कि अचानक वो किलर आकर उसे मार देता है और टेस्ट 015 यहीं पर समाप्त। इस बार टेस्ट के लिए दो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फील्ड एजेंट्स को बुलाया जाता है। वो एजेंट्स पहले हीदर को बेसमेंट में फूड और वाटर ढूंढने को कहते हैं। लकीली थोड़ा फूड मिलने पर वो एजेंट्स हीदर को अटैक और डिफेंस की ट्रेनिंग देने लगते हैं। 112 घंटों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हीदर बेसमेंट से बाहर निकलकर उस किलर के साथ 23 मिनट तक हाथापाई करके उस किलर को जमीन पर लेटा देती है। फिर कैंडलस्टिक से वो उस किलर के सर का भोसड़ा बनाने ही वाली होती है कि अचानक उसके पीछे से एक और किलर अपीयर होता है और स्क्रीन फिर से ब्लैक। इतने सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर दारियो को लगा कि शायद एसीपी 5733-1 यानी ये किलर व्यूअर के माइंड को रीड कर सकता है, इसीलिए हीदर को बताने से पहले ही किलर को व्यूअर का प्लान हर बार मालूम चल जा रहा था। अब डॉक्टर दारियो एक आइडिया लेकर आए। उन्होंने 4 कटोरी लिया और सबसे पहले वाले पर लिखा व्हाट टू टेक फ्रॉम द बेसमेंट। ऐसे ही बाकी 3 कटोरी पर उन्होंने ये 3 कैटेगरीज लिखा। Where to go upon emerging from the basement? How to exit the house? How to exit the kuldesek? जो भी कुलदेसेक सुनकर कंफ्यूज हो रहे हो, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुलदेसेक और कुछ नहीं बल्कि उस जगह का नाम है जहाँ हीदर रहती है। भैया ये तो बहुत डेंजरस एरिया लगती है। हाँ स्लैपी, तूने सही कहा, मेरी तो फट रही है। मेरी भी। इन हर कटोरी के अंदर 20 ऑप्शंस डाले गए। डॉक्टर दारियो का प्लान ये था कि ऑन द स्पॉट वो इन कटोरी से एक एक ऑप्शंस को निकाल कर हीदर को बता देंगे, तो अगर वो किलर सुन भी लेता है तब भी उसके पास कोई एक्शन लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होगा। साथ ही डॉक्टर दारियो 3 कार्ड्स बनाते हैं जिनमें फेस, लेग और बॉडी लिखा होता है। टेस्ट के दिन डॉक्टर दारियो व्हाट टू टेक फ्रॉम द बेसमेंट वाले कटोरी से एक ऑप्शन लेते हैं और हीदर को बोल देते हैं। उस ऑप्शन में लिखा होता है गार्डन शेयर लो और बेसमेंट से बाहर भागो।
Where to go upon emerging from the basement वाले कटोरी से जब एक ऑप्शन लिया गया तो उसमें ऊपर बेडरूम में जाकर फिर डाइनिंग रूम में जाने को लिखा गया था। हीदर ने ठीक वैसा ही किया पर कहीं भी वो किलर नहीं दिखा। इसके बाद हाउ टू एग्जिट द हाउस से डॉक्टर दारियो ने एक ऑप्शन को निकाला और हीदर को बोला। हीदर डॉक्टर दारियो की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने पेरेंट्स के रूम की विंडो से घर के बाहर कूद गई। इसके बाद वो फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन ढूंढने के लिए सड़क पर दौड़ने लगी। कैमरा मूव होकर उस किलर पर फोकस करता है जो घर के बाहर खड़े होकर हीदर को भागते हुए देखते रहता है। बहुत देर तक दौड़ने के बाद हीदर ये रियलाइज करती है कि वो वापस अपने ही घर के पास आ गई। रोते हुए हीदर डॉक्टर दारियो को पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है कि तभी वो किलर आ जाता है। डॉक्टर दारियो उन तीनों में से एक कार्ड को चुनते हैं जिस पर फेस लिखा होता है और फिर वो हीदर को किलर के फेस पे हमला करने को बोलते हैं। अटैक ऑन द फेस। फेस पर अटैक करने से किलर का मास्क फट जाता है और फिर दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो किलर के लेग पर हमला करती है। क्योंकि डॉक्टर दारियो को ऑलरेडी पता होता है कि लास्ट ऑप्शन में क्या है तो वो बिना कार्ड देखे ही किलर के पेट पर हमला करने को बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हीदर ऐसा कर नहीं पाती और फिर कैमरा सीधे हीदर से हटते हुए उस किलर पर फोकस करता है। अब फाइनली डॉक्टर दारियो को उस किलर का फेस देखने को मिला। किलर के चेहरे को देख डॉक्टर दारियो शॉक्ड हो गए क्योंकि उस किलर का चेहरा हूबहू उन्हीं की तरह दिख रहा था। इसके बाद वो किलर हीदर पर चाकू से वार करता है और ये टेस्ट ओवर। फिलहाल SCP-5733 पर सभी टेस्ट को सस्पेंड किया गया है और इस कैसेट पर रिसर्च चालू है। SCP-5733 एक सेफ क्लास ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार करो, 200K तक पहुंचाना है।